ग्राम पंचायत स्तर पर कराए जा रहे विकास कार्यों में जमकर कमीशनबाजी का खेल खेला जा रहा है। यही नहीं, पंचायत सहायक गांव में प्रधानी कर रहे हैं, लाभार्थियों को आवास देने के बदले अवैध वसूली जारी है। कई माह से ग्राम प्रधानों को विकास कार्यों के मद में आई धनराशि का आवंटन नहीं किया गया है। ऐसी तमाम शिकायतें शुक्रवार को ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों की तरफ से खुलकर सामने आई। व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हुए ग्राम प्रधानों ने अपनी समस्याओं से संदर्भित केंद्रीय मंत्री एवं मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर को संबोधित एक पत्र सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन को प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि वैभव राजा सिंह के नेतृत्व में सौंपा। आइए पहले ग्राम प्रधान राम सागर, मोहम्मद कादिर प्रधान प्रतिनिधि, संतोष कुमार यादव, देवेश अवस्थी प्रधान प्रतिनिधि, कैलाश मिश्र आदि को सुनते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या शिकायतें हैं। आज आप लोगों ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री जी के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि हम लोग प्रधान संगठन, छोटी मोटी सभी समस्याएं हैं, किसी सेक्रेटरी परेशान कर रहा है, किसी डीए परेशान कर रहा है, उस संबंध माननीय अध्यक्ष जी के कार्यालय पर हम लोग इकट्ठा होकर के सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को गांव पंचायत वाइज समस्याओं को उनको लिखित दिया है। उन्होंने माननीय श्री कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री जी के प्रतिनिधि महोदय को बुला करके वो ज्ञापन उनको दिया गया है समस्याओं का, ताकि जल्द से जल्द निस्तारण हो। आपका? मोहम्मद आमिर प्रधान, ग्राम पंचायत जड़ोरा। जड़ोरा, किस समस्या को लेकर के आज आप लोगों ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से मंत्री जी के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया है? हमारे ब्लॉक कसमंडा में जो है काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और कोई भी सचिव सही से काम नहीं करना चाहता। हम प्रधान को ही जो है तो लीपापोती में शामिल किया जा रहा है। हमारे एक प्रधान है वो भी समस्या में फंसे हुए हैं, शैलेंद्र कुमार, जिनको नाजायज फंसाया जा रहा है। हम लोग इसी सब माध्यम से ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कई समस्याएँ और ऐसी हैं जिनके माध्यम से हमने आज प्रधान संघ अध्यक्ष अपने जो हैं तो उनके माध्यम से अमित गोहन भैया जी जो हैं सांसद प्रतिनिधि उनको जो है ज्ञापन दिया गया है। क्या नाम है आपका? राम सागर यादव। कौन सी ग्राम पंचायत पर? ग्राम पंचायत दहावा। दहावा, क्या समस्या, किस समस्या को लेकर के आज आप लोगों ने प्रधान संघ अध्यक्ष के माध्यम से ज्ञापन दिया है? समस्या सर ये है कि हमारे यहाँ जो है एस्टिमेट एक तो नहीं बनाते हैं ये लोग, और दूसरी चीज़ हमारे यहाँ पूरी प्रधानी जो है पंचायत सहायक करता है। पंचायत सहायक जो नियुक्त नहीं हुआ है ये करता है, गांव में किसी से 2,000 रुपये लेकर के बाड़ा देता है, किसी से 5,000 लेकर के आवास देता है, किसी से 200 रुपये लेकर के पेंशन बनाता है। मतलब यहाँ पंचायत भवन पर उसको बैठने के लिए कहता है सिस्टम नहीं सही है। नहीं तो एस्टीमेट कौन नहीं बना रहा है? एस्टीमेट ये नहीं बना रहा है मेरा तो। अब एस्टीमेट बनाने के लिए कहा, मतलब कहा हमको कहा, मतलब कहा प्रधान बनाएगा कि सिक्योरिटी बनाएगा कि कहा, मतलब कहा पंचायत मित्र बनाएगा? तो इन समस्याओं को लेकर के आप लोगों ने ज्ञापन दिया जी। और हमारा एक और रिक्वेस्ट भी है कि जो हमने पिछले काम कराए हैं उनका आज तक मेरा भुगतान नहीं हुआ पैसे का है। पंचायत भवन हमको 6 महीने बनवाए हो गए हैं, कंप्लीट कर दिया पूरा है एकदम से बनवा करके, और कम से कम 5 लाख रुपये अटका है, और वेंडर मेरी 2 बार मोटरसाइकिल खड़ी कर चुका है, कहता है पैसा हमको दो। DDO साहब से भी बात किया तो उन्होंने कहा चार्ज दिलवा रहे हैं, आज तक चार्ज भी नहीं दिया है काम लगा भूतपूर्व सिक्योरिटी ने। तो इस प्रकार से प्रधान लोग काम करा पाएंगे ग्राम पंचायत में? अगर कोई एक्शन लेता है तो जांच उसके खिलाफ होती है, जांच कराइए। तो आप जिलाधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? हैं, हम जिलाधिकारी महोदय से मांग कर रहे हैं कि हमारा जो है, हमारे यहाँ जो काम हो चुका है उसका पेमेंट कराया जाए, और जो इस प्रकार का भ्रष्ट का मतलब का हमारे यहाँ पंचायत सहायक नियुक्त है उसको हटाया जाए हमारे यहाँ से। कई बार जिलाधिकारी तक भी हमने रिपोर्ट करके एप्लीकेशन दे चुके हैं, उसकी शिकायत कर चुके हैं, वो भी एफिडेविट पर का मतलब शपथ पत्र पर किसानों ने, ग्रामीणों ने दिया है, आवास के बहाने ऐसी लूट मचा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं मिला। आज आप लोगों ने अपने ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है? हम लोगों की समस्याएं निरंतर कमीशनबाजी जो बढ़ती जा रही है हमारे ब्लॉक में बहुत बड़े स्तर पर, और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनकी कुछ कार्यशैली में दिक्कतें आ रही हैं। इन सब समस्याओं को लेकर एक संगठन पूरा मेरा ब्लॉक कसमंडा का इकट्ठा हुआ यहाँ पे, और अपने अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि अमित मोहन जी को ज्ञापन दिया गया है, और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मंत्री जी के माध्यम से जल्द से जल्दी इन समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? ब्लॉक कसमंडा है।
क्या नाम है आपका? देवेश अवस्थी। किस समस्या को लेकर के आज आपने अपने प्रधान संघ अध्यक्ष के प्रतिनिधि से मंत्री जी के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया? हमारे यहाँ पे तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं ब्लॉक में। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कमीशनखोरी की, और हमारे अधिकारियों से तालमेल नहीं बन पा रहे हैं, जिससे विकास कार्य भी बाधित हो रहे हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को लेके हम अध्यक्ष जी से मिले, और हमारे अध्यक्ष जी ने माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि अमित मोहन भैया के माध्यम से लेटर दे के उन तक बात भी अपनी पहुँचाई है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्दी इन समस्याओं का निदान होगा। ग्राम प्रधानों का नेतृत्व तो कर रहे ब्लॉक कसमंडा प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि वैभव राजा सिंह ने आई इंडिया को बताया। आज आपने किस विषय पर ज्ञापन दिया है? आज हमारे यहाँ ब्लॉक में निरंतर चल रही समस्याओं को देखते हुए हमारे सभी प्रधान बंधुओं के द्वारा जो शिकायतें मिली उसके संबंध में हमारे माननीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी के प्रतिनिधि हमारे अमित मोहन भैया जी को बुलाकर उनको ज्ञापन दिया गया है, जिससे हमारी बात मंत्री जी तक पहुंच सके, और हम लोगों को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी उचित कार्रवाई कर ये समस्याएं समापन की ओर बढ़ेंगी। और अगर हमें ब्लॉक में समस्याओं का निदान नहीं होता दिखेगा ब्लॉक कर्मियों के द्वारा, तो हमारे प्रधान बंधु आमरिक अनशन पर भी बैठेंगे। कौन सा ब्लॉक पड़ता है आपका? ब्लॉक कसमंडा कमलापुर। मामले में केंद्रीय मंत्री एवं मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के प्रतिनिधि अमित मोहन प्रधानों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर क्या बोले, आप भी सुने। कसमंडा ब्लॉक संघ अध्यक्ष वैभव जी और उनके सभी साथियों गण सभी साथी प्रधानगणों द्वारा ब्लॉक में कमीशन और जनहित के कार्यों में बाधा आने के कारण इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो ये ज्ञापन जो आपको मिला है इससे ये लोग उम्मीद करें लोगों की समस्या का समाधान होगा? नहीं, उस पर तत्काल DDO साहब से बात भी हुई है, बाकी जो अन्य समस्याएं हैं उसका जल्दी जल्दी निस्तारण कराया जाएगा। आई इंडिया के लिए कसमंडा से सत्यप्रकाश सिंह। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ, कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।